तो आज हम फिर एक टेली का नया टॉपिक पढ़ते हैं। कंपनी हमने बना रखी है, अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, F11 करते हैं। जैसे कल मैंने आप लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में बताया था, डेबिट नोट क्रेडिट नोट के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। F2 में हमने बजट के बारे में पढ़ा है। तो तीन टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, आगे के टॉपिक अपन आज क्लियर करते हैं। तो आज मैं आप सबको F1 के अंदर से बजट एंड कंट्रोल करते हैं। मेंटेन बजट एंड कंट्रोल को हमने यस किया। बजट एंड कंट्रोल का यूज क्या होता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई मुझे ऑफिस का काम करना हो, कोई मुझे घर मकान बनाना हो, कोई बिजनेस सेटअप करना हो, तो हम एक रफ बजट बनाते हैं। और जब हम काम करते हैं तो वो कम और ज़्यादा हो सकता है, तो उनके बीच में डिफरेंट कैसे हो हम इस बजट के थ्रू निकालते हैं। यहाँ मैंने यस किया। इसको यस करने के बाद में आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे, बजट में आ जाएंगे और यहाँ बजट क्रिएट करेंगे। मतलब हम अपने बजट के कुछ भी एक नाम डाल देते हैं, जैसे मैंने मेन बजट, ऑफिस बजट, होम बजट, जो कुछ भी डालना है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने जैसे इंस्टीट्यूट बजट डाल दिया, एंटर किया। कब से कब तक का? तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। यहाँ हम यस करेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाते हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक ग्रुप बनाते हैं। यहाँ ऑन क्लोजिंग बैलेंस रखेंगे, क्योंकि मुझे एक फिक्स करना होता है कि मैंने 1 लाख रुपये खर्च करना है, 2 लाख रुपये खर्च करना है। तो मैंने फिक्स कर दिया कि 1 लाख रुपया मैंने, 1 लाख का एक बजट मुझे बनाना है। अब यहाँ पे यस करके वो 1 लाख रुपये के खर्चे कहाँ कहाँ होने हैं तो उनके लेजर बनाएंगे हम। यहीं पर डायरेक्ट ऑल सी करते हैं। जैसे मैं ये डालता हूँ कि मुझे अपने ऑफिस के में रेंट भी देना होता है, मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किया। रेंट को हम लोगों ने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एंटर किया। मैं फिक्स कर लेता हूँ कि 25,000 रुपीज मुझे रेंट देना है। ऑल सी किया, मैंने सैलरी का लेजर बनाया। सैलरी का बजट बनाया और इसको मैं डाल देता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और सैलरी पे भी मैंने फिक्स कर दिया कि 25,000 रुपये मुझे देना है। मैंने सारे बिल्स का एक बजट लेजर बना लिया, मैंने फिक्स कर दिया 15,000 रुपीज मुझे। मैं स्टेशनरी का एक पूरे ऑफिस सेटअप का मैंने बजट बनाना है यहाँ पे। एक हम अदर एक्सपेंसेस के नाम से बजट बना लेते हैं, जिसमें सारे के सारे और जो खर्चे होंगे वो इंक्लूड हो जाएंगे। तो मैंने अदर एक्सपेंसेस के नाम से एक बजट बनाया। और रिमेनिंग बजट उसके अंदर मैं डाल देता हूँ। जैसे 20,000 डाल के मैंने टोटल 1 लाख का बजट एक्सपेक्ट किया है कि मेरा 1 लाख रुपये का खर्चा आएगा। हम बाहर निकलते हैं। अब ये जो सारे खर्चे होते हैं उनकी एंट्री करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं, हम पेमेंट में आते हैं और जो एक्चुअल खर्चे होंगे उसकी अपन एंट्री करेंगे। जैसे मैंने यहाँ से बिल्स ले लिया, मेरा वहाँ बिल में कितना खर्चा उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मेरा जैसे 18,500 रुपये खर्च हुए तो एंटर किया। फिर यहाँ पर मैंने DR लिया, सारे बजट एक साथ ही मैं डाल देता हूँ। अदर एक्सपेंसेज मैंने खर्च हो गए, जैसे मैंने डाल दिया कि 19,800 रुपये। यहाँ एक्चुअल खर्चे डालेंगे, इसको भी मैंने DR किया। रेंट फिर मैं DR करता हूँ, सैलरी फिर मैं यहाँ पे DR करता हूँ, स्टेशनरी, और इस तरीके से मैं अपने पूरे बजट का यूज। अब हम बाहर आके देखें कि हमारे बजट के बीच में डिफरेंस कितना है। तो डिस्प्ले में आइएगा, ट्रायल बैलेंस में आएंगे, यहाँ आके ऑल्ट F1 करना है और ऑल्ट बी, ऑल्ट F1 और ऑल्ट बी करेंगे तो जो हमारे बीच में बजट में डिफरेंस है वो यहाँ पे दिखाई दे देगा। हमारा जो टोटल बजट था हमने 1 लाख का बनाया था और जो खर्चे हुए 1,16,300, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि किसी में कम किसी में ज़्यादा ये किया है। तो इस तरीके से हम बजट का यूज करते हैं। और कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा, जहाँ पे हम बजट के बारे में मैं आपको और कुछ भी बता सकूँ।